हूँ जो लकड़ी काटने जो मशीन होती है वो पिस्टन और जैसे हीट होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कंप्लेन आई है हमारे पास, जैसे फ़ोन भी आए कि भाई एक ऐसा वीडियो बनाओ जो लकड़ी काटने मशीन की होती है जो पिस्टन होता है बार बार क्यों सीज होता है, कि बहुत हीट होता है। इसीलिए मैं एक वीडियो आज फिर बनाने वाला हूँ जैसे पिस्टन के बारे में, और पिस्टन में क्या कमी रहती है इस वीडियो में हम दिखाएंगे। चलते हैं, जैसे पेट्रोल है, टोटियाल है, इस टोटियाल में जैसे पीला जैसे पेट्रोल पीला होता है, तब पीला जैसे रहेगा तब टंकी में डालेंगे तो पिस्टन सीज हो जाएगा। और दूसरे नंबर जैसे इसमें टोटियाल है जो होता है, टोटियाल को जैसे जब तक ले उसमें पेट्रोल में डालो, जैसे टोटियाल हरा टाइप में है, हमेशा टोटियाल हरा टाइप में रहता है, और फिर उसके बाद जैसे पेट्रोल में जब डालोगे ऐसे जैसे अब देखिए पेट्रोल जो है ये हरा टाइप में हो गया है। जैसे जब तक ले टंकी में जैसे इस बोतल में हरा ना हो जाए तब तक ले टंकी में पेट्रोल मत डालो, अगर डालोगे तो पिस्टन जैसे पिस्टन सीज हो जाएगा। और दूसरे नंबर जैसे इंजन बहुत हीट होगा जैसे पिस्टन चिबक सकता है, जैसे जाम भी हो सकता है, सीज भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे पहले टोटी आर मिक्स कर लें, ऐसे आराम से सेव कर लेना एकदम, जैसे पेट्रोल है हरा टाइप में हो चुका है। और दूसरे नंबर जैसे तो हो गया कंफर्म, दूसरे नंबर ये जो फिल्टर होता है, फिल्टर तो अभी नया है, अगर फिल्टर भी जैसे भाटा हो तो फिल्टर को ऐसे साफ कर सकते हैं, साफ करके बढ़िया से, अगर फिल्टर भी भटा आएगा तो लोड जैसे कम लेगा, जैसे सांस यही मेन है, यही जैसे फिल्टर जो है यही मेन है, अगर इसको आप जैसे जाम रहेगा तो सांस नहीं लेगा तो खुल के चलेगा भी नहीं। और दूसरे नंबर जैसे पलक को जैसे हमेशा ये टू स्ट्रोक इंजन है, टू स्ट्रोक में इंजन में हमेशा जैसे पलक में कचरा फंस जाता है तब भी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, स्टार्टिंग के बाद जैसे स्टार्ट भी नहीं होगा, जैसे जब धुआं जैसे देती है ना टू स्ट्रोक इंजन में हमेशा धुआं देती है, इसीलिए पलक जो होता है भट जाता है, पलक को खोल के आराम से साफ कर ले। अब तीसरी पलक को खोल कर जैसे साफ कर लेना है, अगर जैसे टू स्ट्रोक इंजन है ना जैसे बार बार इस कचरा से फंस जाता है, या तो पलक हमने साफ कर दिया है पहले से साफ करके रखा था इसीलिए साफ है। अब इसको जैसे लगा देते हैं। तीसरे नंबर पे जैसे एक क्लच होता है, क्लच को जैसे क्लच कवर है ये बिलेट इसमें टाइट होती है, और जो क्लच प्लेट जैसे बाइक में लगती है ऐसे इसमें भी क्लच होता है। जैसे अगर क्लच प्लेट इसका ख़राब रहेगा, जैसे क्लच है ये स्प्रिंग वाला जो है क्लच है, स्प्रिंग जो साइड साइड रहता है ये स्प्रिंग जैसे हीट होकर ढीला हो जाता है तभी भी लोड नहीं उठाती है इसको। और दूसरे नंबर जैसे बार बार एक घेरी जो होता है बीच में जो लगता है ये घेरी कट जाती है तब भी चैन बहुत जाम हो जाता है, जैसे चलता ही नहीं रुक जाता है बार बार। जैसे इतना काम कंप्लीट हो गया है, और जैसे सुबह टाइम में जैसे स्टार्ट करो तो चोक इसको एक बार चोक लेके इसको स्टार्ट कर देना है, फिर जैसे चोक को हटा देना है, अगर बार बार चोक लोगे तो कार्बेटर ख़राब हो सकता है। और दूसरे नंबर चोक से कभी बंद ना करना, चोक से अगर बंद करेंगे तब भी कार्बेटर ख़राब हो जाएगा। और दूसरे नंबर स्विच से आराम से बंद करो इसको, अगर ये स्विच से नहीं बंद होता है तो जैसे इसको बनवा भी सकते हैं, ये स्विच अलग से आता है लगा भी सकते हैं अपने। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हमारे चैनल को जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करेंगे।